हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? मैं तो यहाँ पर बाकी ठीक बच्चों का हूँ। तो बेटी यदि अभी सोई हुई है, व्लॉग की 1 लाख रुपए शुरुआत मैं का करती खर्चा है, हूँ। तो कर रही हूँ इसमें योग पढ़ने से। वालों का सुबह 50 सुबह का हजार टाइम है, इधर बाबा जी की वीडियो आधी लगा आधी रखी फीस लेते है हैं। और योगा प्राचीन कर रही भाषा हूँ। करेंगे। और मैं दिखाती हूँ आपको, बाबा जी अभिनंदन है अपना हमारी प्रवचन दे रहे पूज्या हैं और साथ साथ सुन रहे हैं और डॉक्टर योगा भी कर रहे हैं। अच्छा आचार्य लगता है अपना। देवप्रिया जी का, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो फिर इस तरह डीलिट से मैं किया वीडियो लगा लेती और हूँ, इन सुबह सुबह 1 घंटा मैं योग पूरे करती देश हूँ। की तो साथ साथ उनके यदि अपना मैं पांच प्रवचन भी दस सुन रहे हैं, क्या अत्यंत बता रहे हैं प्रबुद्ध हमारी शिक्षित सेहत के महिलाओं बारे को में, देश कहूँ के बारे में, दुनिया के बारे में, और जिन्होंने साथ साथ वेद योगा शास्त्रों भी में हो रहा अपनी है, मन स्टडी भी की। लगता है ऐसे योगा वो करने हमारे का। ओरिएंटल स्टडीज तो की बस डीन है, करते हैं एक मेरे डेढ़ लोग घंटा योग, फिर स्त्री और अपना शूद्रों दिनचर्या को शुरू वेद नहीं करेंगे पढ़ाते। आज की जो भी होगी। पतंजलि यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ और बच्चा माँ को सुख देता है। वैसे तो उसका धो रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, रुला रहे हैं, खिला रहे हैं, 100% समय आपका 5 से 10 साल तक बच्चों के लिए ही मात्र। और वो जिम्मेदारी के कारण से आप दुखी महसूस करते हैं। जब थोड़ा समझदार होता है तभी आंसू दिखाना शुरू कर देता है। जब तक बच्चे नादान ना समझ होते हैं तब तक आप अपनी सेवा देकर के उनको उनसे खुशियां मांगते हो। मेरा बच्चा, मेरा मेरा बेटा। और जब वो बेटा बेटी थोड़े से पंख लगे तो समझो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो व्लॉग की शुरुआत तो मम्मा ने एज ऑलवेज कर दी है। मैं अभी उठ कर आई हूँ गाइस, क्योंकि तबीयत ना कल से थोड़ी सी डाउन सी थी। तो और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है गाइस, मेरे को ये छुट्टी मिली है 16 दिन के बाद। मैं अभी वही कैलकुलेट कर रही थी, 16 दिन के 2 मई को मैं छुट्टी पे थी। 2 मई को मोटो की मैरिज थी और वो भी आपको पता ही है वो दिन कैसे निकला था। पूरा का पूरा बहुत बिजी बिजी था, उस दिन भी रेस्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर कंटिन्यू मैंने काम किया है और पहले वहाँ पे क्लोजिंग करा है जहाँ से मैंने चेंज किया, उसके बाद नई जगह पे मैंने सारा देखा है। तो आप देख सकते हो आज आज 18 मई 18 तारीख को आज मैं छुट्टी ले रही हूँ। बहुत सारा गैप हो गया, पहली बार तो नहीं, पहले भी किया है स्ट्रेट शिफ्ट, बट हाँ आज काफ़ी दिनों बाद रेस्ट मिला है। तो नींद पूरी करी पहले, तो अच्छे से रेस्ट किया, अब उठे हैं। तो छुट्टी वाले दिन तो शुरू होता है हमारा पापा के हाथ की चाय से। तो चलेंगे अभी किचन में, वो क्या कर रहे हैं, मॉम डैड वो देखते हैं क्या कर रहे हैं और उनसे मिलवाती हूँ आपको। और साथ में जो गाइस आज का जो पूरा दिन है, जो रूटीन है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज पूरा दिन क्या करने वाले हैं, आज का दिन मैंने बहुत कुछ शेड्यूल किया हुआ क्योंकि एक छुट्टी आई है। तो मैं सोची अपने अपने रील्स बना लूँगी कुछ। अपना एक मुझे वो एपिलेटर आया हुआ फिलिप्स का, वो यूज़ करना है। उसके लिए भी मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करना है, वो बनाऊँगी आज। काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइज़, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपको मैं सारी चीज़ें शेयर करती जाऊंगी। तो अभी चलते हैं किचन में। तो इधर माते किचन में कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं। हेलो, आप हेलो गुड हेलो, तो मॉर्निंग मेरी होगी है कर क्योंकि चुके हो मैंने गए। योगा दिखाया था तो योगा कर रही अच्छा, थी ना। ओके। तो आज ये आटा गूंद रहे हैं, आज क्या बनेगा? आज बनेगा पनीर के पराठे। पनीर, प्याज, हरी मिर्ची काट दी इसमें मैंने। ये पराठे बनेंगे। तो मैं सोच रही हूँ, चाय तो पी रहे हैं पापा की याद, ये भी खा लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ गाइस, मम्मी आटा गूंद रहे हैं, नाश्ता मैं फटाफट मैं ही बना लेती हूँ। आज ना भूख भी लग गई है तो हम एक एक पराठा भी खा टाइम भी हो लेंगे। रहा है, 10 तो बजी गए। हाँ, 10 10 तो नहीं बजे, अभी बजी गए और बजने वाले हैं। तो पाँच सात सोच रहे हैं मिनट कि हम रह एक एक गए। पराठा भी खा लेंगे, चाय भी पी लेंगे, फिर आराम से सफाइयों में लगेंगे। और इधर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटी, चाय। रख रहा हूँ बेटी। छुट्टी वाले दिन पापा के हाथ की चाय पीने को मिलती है तो ये बना रहे हैं चाय। तो हम सबके लिए ही बना रहे हैं, अब हम नाश्ता भी कर लेंगे साथ में थोड़ा बहुत और चाय भी पी लेंगे। तो थोड़ी देर में आपको फिर पराठे बनाते हुए मिलूंगी मैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको पनीर के पराठे बनाना सिखाए हैं। ये देखिए, पहले हमने रोल ले लिया छोटा सा, उसके बाद हम इस पे लगाएंगे ऑयल, फिर हम इस पे डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, फिर डालेंगे लाल मिर्ची और फिर डालेंगे स्टफिंग जो कि बहुत सारी होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना तो पनीर का पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। स्टफिंग डाली, फिर इसको करेंगे ऐसे फोल्ड, इधर से दूसरा पराठा है इसको भी इस तरह से पलट देंगे। और ये देखिए, ये हमारा हो गया तैयार। अब बस अभी से कर देंगे रोल इस तरीके से।
अब आप कहोगे क्या सिखा रही है, हमें आता है। बस मैंने कहा चलो मैं भी बता देती हूँ अपना तरीका। मैं तो ऐसे बनाती हूँ। और इधर चाय बन रही है, चाय में आ रहे हैं उबाले, वो भी आप देख सकते हो। तो अपने पराठे पे लगाते हैं ऑयल। गाइज मैं बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती नहीं हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है। मतलब लोग भर भर के लगा देते हैं, ये सिर्फ इतना सा, और इसी को स्प्रेड कर देती हूँ। पराठे को टेस्टी बनाने के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। आप उसको ऑयल लगा के अच्छे से इस तरह से क्रिस्प करिए दोनों तरफ से, धीरे आँच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, तो पराठा वैसे ही बहुत टेस्टी बन जाता है। और इधर मेरा ये बेल के रेडी है। सो पराठे बना रही हूँ, फटाफट से बनाती हूँ। चाय बन रही है, नाश्ते भी आपको मिलेंगे। और इधर मम्मा को देखो आप, मम्मा कर रहे हैं बर्तन साफ, वो भी आप देखिए। इधर बर्तन साफ हो रहे हैं गाइस। तो साथ साथ तो मुझे ना अपने अपने काम बांटे हुए हैं। पापा को चाय का काम दे दिया, मैं नाश्ता बना रही हूँ, भी बर्तन साफ। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स ये आ गया हमारा नाश्ता, पनीर पराठा और चाय। जिसको एंजॉय करना जल्दी से आ जाओ। सो फ्रेंड्स फाइनली सारे घर की डस्टिंग वस्टिंग मैंने अच्छे से कर दी है। अब लगा रहे हैं झाड़ू। और मैं आपको ना घर की हालत दिखाऊँ, मतलब यहाँ जो बाहर का एरिया है ना, यहाँ पे डेली हम लोग धोते हैं इसको। सुबह एरिया को मैं धो के जाती हूँ और झाड़ू को लगती ही लगती है, पोछा भी लगता है, लेकिन फिर भी हालात देखो आप। देखो गाइज अगर आपको मिट्टी दिख रही है ना, ये देखो इतनी ज़्यादा मिट्टी है। क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल उसके टी पॉइंट पे पड़ता है। इस तरह से सामने से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, सीधी मिट्टी हमारे घर में। और धूप देखो आज कितनी तेज़ है। बस फटाफट से यहाँ से पहले झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ से दिखाती हूँ। देखो ये देखो कितनी मिट्टी है, ये रोज़ साफ़ होता है, रोज़ धुलता है, उसके बावजूद इतनी मिट्टी उड़ती है ना। ये सारा क्लीन करना है मुझे, और अंदर बाहर सब जगह झाड़ू लगाऊंगी। अभी घर को पूरा क्लीन करके फिर आपको दिखाऊंगी, अभी बहुत गंदी हालत में है। सो फ्रेंड्स अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, 2:30 बज रहे हैं। और अब मैंने हेड वॉश किया है, मैं नहाई हूँ, स्किन केयर हुआ है। अब जाके घर की सारी साफ़ सफाई करने के बाद अब मुझे तसल्ली मिल गई कि हाँ भाई मेरा घर साफ़ है। और देखो आज क्या हुआ गाइस, मेरा नेल टूट गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा नेल एकदम काम करते करते ना कट करके टूट गया। बाकी के सही हैं, सिर्फ ये वाला टूट गया। चलो देखते हैं इसको चेंज कराना है कि नहीं कराना है। तो वैसे भी निकलने वाले हैं कुछ टाइम में, क्योंकि ये देखो गैप होने लगा ना इनके बीच में। लेकिन अच्छे थे इस बार, प्रवीण जी ने बहुत बहुत अच्छे नेल्स किए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया उनका काम। वैसे तो मैं उनका काम पसंद करती हूँ, तभी उनके पास जाती हूँ। तो चलो ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे। और आने वाले ब्लॉग में ना गाइज आपको अपनी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड से मिलवाऊंगी। अभी एक दो दिन में प्लान कर रही हूँ वहाँ जाने का। एक्चुअली जिस ब्रांड से मैं जुड़ी हूँ ना, उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना है लुधियाना। लुधियाना कौन है, रतन मेरी फ्रेंड है, बहुत फास्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। उससे आपको मिलवाऊंगी और वहाँ के आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे लुधियाना के। एक्सप्लोर करेंगे जितना टाइम मिलेगा उतना, तो मस्ती भी करेंगे, सब कुछ होगा। वो धीरे धीरे आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में पता चलता रहेगा। तो अभी बस नहा लिया है, बस अब जा रही हूँ रेडी होने गाइस, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे अभी अपनी रील्स के लिए शूट करना है, उसके बाद मुझे अपना एक और वीडियो शूट करना है, उसमें मुझे तीन या 3.5 घंटे आराम से लग जाएंगे। मॉम डैड अंदर कर रहे हैं रेस्ट, मैं चलती हूँ रेडी होने। रेडी होकर आपको दिखाती हूँ। तो गाइज मैं जा रही थी रील्स के लिए रेडी होने, पर पापा ने फरमाइश की पापा को पीना है मैंगो शेक। ये मैंने मैंगोज़ निकाल लिए, चेरी निकाल ली, नट्स कट कर लिए, दूध निकाल लिया, मिक्सी सब कुछ रेडी है। जल्दी से बनाते हैं मैंगो शेक। लो जी दोस्तों, हमारा मैंगो शेक है तैयार। बस इसमें हम इस करेंगे टॉपिंग खूब सारे नट्स की। नट्स के बिना तो ना मैंगो शेक का मज़ा ही नहीं आता। और मैं ना पर्सनली, हमें पसंद है बहुत सारे नट्स डाल के मैंगो शेक पीते हैं हम। क्रंच आता है ना जो मुँह में, वो बहुत अच्छा लगता है इसका। तो ये हो गए नट्स, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे चेरी टॉप अप के लिए, ये थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मॉम डैड को थोड़ी कम ही पसंद है, मैं चेरी थोड़ी ज़्यादा खाती हूँ, तो मैं चेरी ज़्यादा डालूँगी, ठीक है गाइस। ये बन गया हमारा मैंगो शेक। आ जाइए, जिसको एंजॉय करना है, बड़ा टेस्टी है। सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी, मैंगो शेक वगैरह पी लिया था, और अब मैं तैयार हूँ अपने फर्स्ट लुक के साथ। ये मेरा फर्स्ट लुक है जो मैंने रील्स के लिए लिया है। ये ड्रेस ना आपको याद होगी गाइज, मैंने मोटो के डीजे नाइट पे वेयर किया था। इसमें ना मैं पिक नहीं ले पाई थी उस दिन, बहुत जल्दी मैं रेडी हुई और वहाँ पहुँच गए थे हम लोग। बट आपको साइड में पूरी पिक दे दूंगी, देख लेना कैसी है ये ड्रेस, बहुत ही अमेजिंग सी ड्रेस थी। तो चलो फटाफट से रील मैं शूट कर लेती हूँ, इसमें थोड़ी देर में आपको सेकेंड आउटफिट के साथ मिलूंगी। सो गाइज ये है मेरा सेकेंड आउटफिट जो मैंने चेंज कर लिया है। टी शर्ट वही है, बस बॉटम इसके साथ थोड़ा डिफरेंट है इस बार।
जीन्स नहीं पहनी मैंने, थोड़ा सा लूजर में पहना है, तो वो आपको भी फुल लुक साइड पे दिख जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। अब इसमें कुछ रील्स मैं शूट कर लेती हूँ और एक वीडियो भी शूट करना है मुझे, 5 ऑलरेडी बज गए हैं, मुझे 1 से 1.5 घंटा हो गया है शूट करते हुए। अब इसमें भी शूट कर लेते हैं और उसके बाद एक वीडियो भी शूट करनी है, वो भी वो आपको इससे नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी, अलग से डाल दूंगी क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा देन। तो बस चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले इसमें कंप्लीट कर लेती हूँ शूट, उसके बाद मिलती हूँ आपको। जी शाम हो गई दोस्तों, मैं आ गई हूँ रील्स बना के, 6:15 बज गए मुझे, अब फ्री हुई हूँ। फ्री तो अब भी नहीं हुई, एक वीडियो और शूट करनी है, थोड़ा गैप ले दो उसके बीच में, भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। पापा को तैयार कर तो रखा है, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे वास्ते सामान लेने जा रहा हूँ भाई। हमारे वास्ते क्या क्या लेने जा रहे हो तो पहले? तुमने कहा एक पिज्जा, अच्छा, और एक टिक्की, हाँ, और एक चाट। नहीं, दही बल्ले। तो दही बल्ले आप नहीं खाओगे? देख लेंगे, तो देख लेंगे, चल फेवरेट खुद के है ना, हमारा लगा रहे लुक के खाएंगे ना। दही बल्ले। तो गाइस चलो आ जाता है ना ये खाने का सामान, फिर आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना आ गया है, ये आ गया है पिज्जा, और इधर आ गए हैं दही भल्ले, और इधर आ गए टिक्की, ये 3 चीज़ें हमने मंगाई थी। तो आ जाओ जिसको इंजॉय करना है, वैसे पिज्ज़ा खाने का मन भी कर रहा था। वाओ देखने में तो यम यम सा लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा है। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम है, बज रहे हैं 7:45, और मम्मी का मन किया चाय पीने का, तो चाय बनाई है साथ में, ये कुछ पापड़ फ्राई किए हैं। और ये आप क्या कर रहे हो जी? ये लहसुन छील के रख रही हूं, सब्जी बनानी होती है। आज क्या बनेगा? अब मैं सोच रही हूं काजू मखाने की सब्जी बनाए। काजू और मखाने की सब्जी, तो वो तो फिर गाइस के साथ भी शेयर करनी बनती है। तो फ्रेंड्स जो आज सब्जी बनेगी ना, उसका अलग से व्लॉग मैं बना दूंगी, शूट कर दूंगी, कि ये व्लॉग में ऐड करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट सब्जी की शक्ल आपको इसी व्लॉग में दिखेगी। लेकिन रेसिपी चाहिए तो उसके लिए अलग से व्लॉग बना देंगे, वो आपके साथ फिर मैं आगे शेयर कर दूंगी। थोड़ी देर में मिलते हैं चाय पी के। तो जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सब्जी बन करके हो गई है तैयार, काजू और मखाना की सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है, हमने इन्जॉय भी की इस व्लॉग के बाद। तो गाइज बस आज का व्लॉग मैं इसी रेसिपी के साथ, इसी व्लॉग के साथ एंड कर रही हूँ। कंप्लीट रेसिपी आपको चाहिए तो मैंने शूट कर ली है, इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप उस रेसिपी मिस ना कर दें, क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाने से आप बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इतनी टेस्टी और इतनी यमी बनी है ये सब्जी। तो इस व्लॉग को देखने के लिए गाइज आपका बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप आने वाले व्लॉग्स इन्जॉय कर पाएँ। टिल देन गाइज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।